नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये वीडियो संभवतः इस लोकसभा चुनाव के एनालिसिस के ऊपर आखिरी वीडियो रहेगा। उसके बाद हम लोग फिर से चलेंगे जियोपॉलिटिक्स के ऊपर और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, साथ ही में डिफेंस के रिलेटेड चर्चा करेंगे, उसमें जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके रिलेटेड। तो ये वीडियो जो लोकसभा के रिजल्ट्स आए उसके ऊपर हम शेयर कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारे कुछ एनालिसिस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस इलेक्शन में काफी ही प्रभावी रही हैं और उसको मापने में कुछ पार्टियां अक्षम रही हैं और कुछ पार्टियां सक्षम रही हैं। तो उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। तो जिस तरह से एग्जिट पोल्स आ रहे थे उससे ये लग रहा कि नरेंद्र मोदी जी फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। उन्होंने जो नारा दिया था 400 पार का, वो काफी ही इको किया गया पूरे मीडिया में और सोशल मीडिया पर भी और बहुत सारी जगह पर, लेकिन फिर भी भाजपा को इस चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। वे सिर्फ 240 के ऊपर सिमट कर रह गए। अब ये क्यों हुआ, तो इसके कई सारे अलग अलग रीजंस हैं जो हम एनालाइज कर रहे हैं। उसमें कुछ फेवरेबल चीजें थी, कुछ ऐसी चीजें थी जिसने लोगों को बीजेपी की ओर वोट करने के लिए इन्फ्लुएंस किया, और साथ ही में कई सारी ऐसी चीजें थी जिसने लोगों को वोट करने से रोका या फिर उन लोगों को ऑपोजिशन को वोट करने पर मजबूर किया। अब ऐसी कौन सी चीजें थी, तो बीजेपी की जब अगर बात करते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज आती है, वो है ब्रांड मोदी। अब मोदी जी ने 4 साल में बहुत काम किया, कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए, बहुत एडवांसमेंट हुआ डिफेंस सेक्टर में भी और आईटी में भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के भी कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। साथ ही में स्पेस इंडस्ट्री में भी काफी सारा डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ यूनिकॉर्न्स भी निकल कर आए हैं पिछले कुछ समय में, और उन सभी का जो क्रेडिट दिया गया वो ज्यादातर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। अब ये एक पॉजिटिव चीज थी, तो उन्होंने बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने भी और संभवतः उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट है उन लोगों ने ये सोचा कि ये जो पूरा चुनाव जिसमें कई सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कुछ रीजनल पार्टीज भी हैं और कुछ नेशनल पार्टीज भी हैं, उन सभी के सिर्फ एक व्यक्ति को उतारा, तो पूरा बीजेपी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की ब्रांडिंग करने में लग गया। और मोदी जी ने खुद भी काफी अच्छे तरीके से अपनी ब्रांडिंग की, तो ब्रांड मोदी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैक्टर रहा इस पर्टिकुलर चुनाव में, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन साथ ही में इसी ब्रांडिंग को जो ग्राउंड पर काम करने वाले कार्यकर्ता थे, या एमपी से या एमएलए से या कई ऐसे लोग, वे लोग ज्यादातर केसेस इनविजिबल हुए। पूरे भारत में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पर लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लीडर्स हैं उनके संभवतः नाम भी नहीं जानते। उनमें से कई सारे लोगों ने वोट किया सिर्फ मोदी जी के नाम पर, ना कि उनके जो लोकल मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े थे बीजेपी उनके नाम। तो इसी के चलते बहुत सारी ऐसी जगहें थी, बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स जहां पर सेंधमारी की जा सकती थी, और उसमें खास करके यूपी में बहुत ही अच्छे से अखिलेश जी ने और राहुल गांधी ने, दोनों ने ही बहुत ही अच्छे से सेंधमारी की है। इस बात को जरा भी नकारा नहीं जा सकता कि ये जो स्पेस दिया गया ऑपोजिशन बीजेपी के द्वारा प्योरली मोदी जी के ऊपर फोकस करके, जो लोकल लीडर्स हैं उनकी छवि भी नियरली सप्रेस करके, उसके चलते ऑपोजिशन को एक बहुत ही बड़ी स्पेस मिल गई थी और उसका उन लोगों ने भरपूर उपयोग किया यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और साथ ही में महाराष्ट्र में भी काफी सारा केस हुआ, वो एक अलग मैटर है, उसके ऊपर बाद में आएंगे। तो इसी प्रकार से जहां पर एक तरफ उसी ब्रांड मोदी ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया वोट करने जाने के, वही ब्रांड मोदी कहीं ना कहीं बीजेपी के एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव फैक्टर निकल कर आया है। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो दूसरा है अयोध्या का राम मंदिर। 500 सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार जुडिशियल सिस्टम के थ्रू जाकर लीगली बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर अयोध्या राम मंदिर की लड़ाई जीता और वहां पर राम मंदिर सक्सेसफुली बनाया। तो उसी राम मंदिर के चलते पूरे भारत में कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे पूरे के पूरे परिवार हैं और कुछ जगहों पर पूरी कम्युनिटीज हैं जो काफी ही प्रभावित हुई, काफी ही खुश हुई। एक जगह ऐसी भी थी जहां पर लोगों ने ये मन्नत रखी कि जब तक राम मंदिर बन नहीं जाता तब तक वे लोग कोई भी प्रकार का फुटवेयर नहीं पहनेंगे। तो उस पूरे गांव की वो मन्नत खत्म हुई। तो इसी प्रकार से ऐसे पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग जो कार सेवा में बार बार जुड़े थे, जिन्होंने कार सेवा की थी, और उसके अलावा भी अन्य कई सारे ऐसे हिंदू जो प्रभु श्री राम अपना आराध्य मानते हैं। और ये जो अयोध्या में राम मंदिर बना
उसके चलते बीजे लोग काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। ऑपोजिशन ने उसके सामने 2019 से लेकर काफी ही प्रोपोगेंडा किया कि मोदी जी और बीजेपी ये जो राम मंदिर का मुद्दा है उसको सिर्फ जलाए रखना चाहती है, उसके ऊपर कोई भी काम करना नहीं चाहती, क्योंकि वो करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने, आरएसएस ने और सभी लोगों ने मिलकर, जो भी जुडिशियल सिस्टम में भी लोग एक्टिव थे, उन सभी लोगों ने मिलकर इस राम मंदिर हकीकत बनाई। तो उसी के चलते बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उससे इन्फ्लुएंस हुए और अल्टीमेटली उन्होंने नरेंद्र मोदी वोट किया। लेकिन दूसरी तरफ यही अयोध्या का राम मंदिर ऐसा भी है जिसको काउंटर करके ऑपोजिशन ने भी एक नैरेटिव चलाया और उसमें कई सारी ऐसी बातें आई कि उसकी जगह पर हॉस्पिटल्स बनने चाहिए थे, उसकी जगह पर स्कूल्स बनने चाहिए थे, और उसके अलावा भी जो ओपनिंग सेरेमनी, जो कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी थी, जो प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी, उसमें जो लिमिटेशन थी जगह की और लोगों को बुलाने की, उसके चलते बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया गया। तो उसी को लेकर ऑपोजिशन ने बहुत ही अच्छे से उसमें सेंधमारी की, बहुत ही अच्छे से उसमें प्रोपोगेंडा किया, इस पूरे अयोध्या राम मंदिर वाले नैरेटिव को काउंटर किया। तो इसी के चलते अयोध्या राम मंदिर जहां पर एक पॉजिटिव चीज बन के निकल रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ जिस तरह से ऑपोजिशन ने उसमें काम किया है, जिस तरह से दिमाग लगाकर उसमें काम किया गया है, उसके चलते ये देखा जा सकता है कि उन लोगों ने इस अयोध्या में राम मंदिर का जो नैरेटिव है उसको काउंटर बहुत ही अच्छे से किया। इसके चलते अल्टीमेटली यूपी में ही, जहां पर मुलायम सिंह की सरकार के दौरान, एसपी की सरकार के, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई, वहीं पर उसी यूपी में लोगों ने समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट किया बीजेपी की जगह। तो इसी के चलते ये देखा जा सकता है कि अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा, जहां पर एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैक्टर बन सकता था, उसी ऑपोजिशन ने बहुत ही अच्छे से काउंटर किया। तीसरा अगर मुद्दा देखें तो यहां पर फिर से वही आता है कि जो बीजेपी के टॉप लीडर्स थे वो कॉन्स्टेंटली सुर्खियों में बने हुए थे, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो या कोई भी, वे लोग कॉन्स्टेंटली सुर्खियों में बने हुए थे। वहीं पर दूसरी तरफ जो लोकल लीडर्स वो कहीं ना कहीं गायब। और यहां पर हम सिर्फ बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है नेशनल लेवल पर उसका दोष नहीं दे सकते। रीजन भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी थी जहां पर वहां के जो एमपी और एमएलए हैं, उन लोगों ने अपने जो वोटर्स हैं, जो अपनी वोट बैंक, उन लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। अब ये जमीनी हकीकत है और ये हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हुआ है, जहां पर 2019 बीजेपी के लोग एटलीस्ट 10 मिनट के लिए आए और चुनाव से पहले उन लोगों ने हमारे साथ पर्सनली वार्तालाप किया था। लेट इट बी फॉर जस्ट 10 मिनट्स, एटलीस्ट उन्होंने अपनी शक्ल दिखाई, उन्होंने अपनी प्रेजेंस बताई और कौन लड़ रहा है हमारे एरिया में से, उसकी उन्होंने जानकारी दी। ये चीज इस पर्टिकुलर इलेक्शन में बहुत सारी जगहों पर, इनफैक्ट ज्यादातर जगहों पर गायब। तो इसी तरह से जहां पर बीजेपी की टॉप लीडरशिप कॉन्स्टेंटली नैरेटिव्स चला रही थी, कॉन्स्टेंटली इंटरव्यूज दे रहे थे, कॉन्स्टेंटली रैलीज कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने भी 200 से ज्यादा रैलीज की, जिसकी वजह से ही हमको लगता है कि ये 240 का आंकड़ा आ सका है, वहीं पर दूसरी तरफ जो लोकल लीडर्स थे वे लोग एट ईज हो गए थे कि वे लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट ले सकते हैं और जीत सकते हैं। मध्य प्रदेश में, गुजरात में कुछ जगहों पर ऐसा हुआ कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी थी और ये जो पर्टिकुलर थिंकिंग थी और ये जो एमपीज और एमएलए ने और बीजेपी के लीडर्स, लोकल लीडर्स, अपने वोट बैंक को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, वो चल गया। लेकिन यूपी जैसी जगह ये पर्टिकुलर थिंकिंग उल्टी पड़ गई, महाराष्ट्र में भी ये पर्टिकुलर थिंकिंग उल्टी पड़ गई, और उसके अलावा कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इस पर्टिकुलर थिंकिंग के चलते बीजेपी ने, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहें तो, मुंह की खाई है। आने वाले समय में हो सकता है कि मध्य प्रदेश में और गुजरात में भी परिस्थितियां कुछ प्रकार से अलग हो, अगर बीजेपी के जो लोकल लीडर्स वे लोग बाहर आकर काम करना शुरू ना करें, अपनी शक्लें दिखाना शुरू ना करें और रैलीज करना और जो भी नैरेटिव्स है उनको आगे बढ़ाना शुरू ना करें। ये बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है उसके लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, और साथ ही में जो नेशनल लीडरशिप है और जो स्ट्रेटेजिस्ट, उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा सबक बन के निकला है। इसके अलावा एक और जो मेजर चीज है वो ये है कि इस पर्टिकुलर चुनाव में बीजेपी और एनडीए अलायंस जो लड़ा है वो लड़ा है वैश्विक ताकतों से, ना कि सिर्फ लोकल ताकतों से। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो कुछ समय पहले, 1-1.5 साल पहले ही,
जॉर्ज सोरोस जो कि एक हेज फंड मैनेजर है और जो खुद रेजिम चेंज ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है, जिसने इंग्लैंड को भी नियरली बैंकरप्ट कर दिया था, उसकी इकोनॉमी को नियरली गिरा दिया था, उसने खुद ये आकर बयान दिया था कि वो नरेंद्र मोदी को गिराने के लिए भारत में $1 बिलियन इंफ्यूज करेगा। उसके अलावा ओपन एआई का भी कुछ ही समय पहले एक रिपोर्ट आया था जहां पर यह बताया गया था कि एंटी बीजेपी एजेंडा चलाया जा रहा था और वो भी एआई का यूज करके इसराइल की एक कंपनी द्वारा। अब एंटी बीजेपी का नैरेटिव कौन चला सकता है, तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि हमने आपको उस वीडियो में भी बताई थी, एक इंटरनल पार्टीज यानी कि जो ऑपोजिशन है वे लोग, या फिर दूसरा वो बाहरी ताकत जो नरेंद्र मोदी की सरकार से और उनकी स्ट्रांग लीडरशिप खुश नहीं थी, जिनके काम नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप की वजह से नहीं हो पा रहे। तो ऐसे दोनों प्रकार की ताकतें संभव हैं, जिन्होंने स्टोइक को जो कि एक इजरायली कंपनी है उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था एंटी बीजेपी नैरेटिव चलाने के लिए भारत ड्यूरिंग इलेक्शंस। इसके अलावा यूट्यूब के भी कुछ एम्प्लॉइज पाए गए हैं, 12 एम्प्लॉइज जिसमें से 5 फीमेल्स हैं और 7 मेल्स हैं, जो राइट विंग या नेशनलिस्ट जो चैनल्स उनकी रीच को दबाने के लिए काफी एक्टिव पाए गए हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आई है वो भी आई है सेंट्रल मिनिस्ट्री से और एनआईए से, तो इसको भी हम लोग खारिज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से कई सारी ऐसी ताकतें थी जिससे बीजेपी इस पर्टिकुलर इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में लड़ी है और फिर भी उन लोगों ने इतनी सीटें पाई हैं कि जो पूरे ऑपोजिशन को कंबाइन करते हुए भी ज्यादा है। ये पर्टिकुलर कंपैरिजन बीजेपी के कई सारे नेताओं के द्वारा शेयर किया जा रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, लेकिन यहां पर बात फिर से वही है कि जहां पर एक तरफ बीजेपी सक्सेसफुली पूरे इंडिया अलायंस से ज्यादा सीट लेकर आई है, वहीं पर दूसरी तरफ सिर्फ ब्रांड मोदी के ऊपर पूरी बीजेपी लड़ी है, ना कि लोकल लीडरशिप को आगे बढ़े। तो ये एक बीजेपी का बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है जो उन लोगों को आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द ठीक करना चाहिए, नहीं तो बीजेपी की हालत कांग्रेस जैसी होने में देर नहीं लगेगी। इसके अलावा एक और जो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है वो है इकोसिस्टम का, जहां पर लेफ्ट विंग की पूरी इकोसिस्टम लगी हुई इंडिया अलायंस को जिताने में, वहां पर राइट विंग और नेशनलिस्ट की इकोसिस्टम भी धीरे धीरे करके बनी खड़ी हुई और उन लोगों ने भी अपने हिसाब से नैरेटिव को काफी ही अच्छे से काफी ही इफेक्टिवली उन लोगों ने पुश किया, चाहे वो अजीत भारती जी हो, चाहे वो संजय सर हो जयपुर डायलॉग से, या फिर कोई भी ऐसे यूट्यूबर हो, जिन लोगों बीजेपी ने जो काम किए हैं पूरे भारत में उनको लोगों के समक्ष करना काफी ही अच्छे से डिटेल्स और प्रूफ्स के साथ, तो उसी के चलते ये देखा जा सकता है कि ये जो पूरा ड्यूरेशन था 10 साल का उसमें ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज हुई है और ये पॉजिटिव चीज बीजेपी के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव चीज बनके निकली है। लेकिन इसके सामने दो चीजें हैं, सबसे पहली कि यही जो इकोसिस्टम है उन लोगों ने ऑपोजिशन की जो एक्टिविटीज थी और उन लोगों की जो स्ट्रेटेजीज उनको काफी ही हद अंडर एस्टिमेट किया है, चाहे वो एसपी और कांग्रेस का अलायंस हो, इंडिया अलायंस हो या ऐसी कोई भी चीज हो, उसको काफी ही अंडर एस्टिमेट किया गया है। साथ ही में हमारा ये भी मानना है कि राहुल गांधी ने जो दो पद यात्राएं की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्यों वहां पर वे खुद और उनकी पूरी टीम लोगों को पर्सनली मिले थे, तो ग्राउंड पर उन्होंने खुद जाकर पर्सनली लोगों को अप्रोच किया था और इस बात को जो राइट विंग और नेशनलिस्ट इकोसिस्टम है उसने बहुत ही बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट किया है, तो उसी के चलते वो जो पर्टिकुलर इको चैम्बर क्रिएट हो गया था राइट विंग नेशनलिस्ट की इकोसिस्टम में, उसी में फंसकर लोगों ने कंप्लेसेंसी दिखाई और ये जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा थी उसका जो इम्पोर्टेंस उसको आंकने में वे लोग कम पड़ गए। उसी तरह से संभवतः बीजेपी ने भी उनकी ये जो दो यात्राएं हैं उनको काउंटर करने की कोशिश जरूर की, लेकिन हकीकत में वे लोग काउंटर नहीं कर पाए, तो उसके ऊपर भी इन लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि राहुल गांधी भी काफी लंबे समय से अब पॉलिटिक्स में है और साथ ही कांग्रेस का जो पूरा कालखंड है टेन्योर है फ्रॉम 1947 टिल डेट और उनकी जो टीम है जिसमें कई सारे बहुत पुराने लोग, उनके एक्सपीरियंस को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बीजेपी में कई सारे एक्सपर्ट्स हैं और वो काफी ही विद्वान हैं,
बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वे लोग थोड़ा बहुत मात खा गए। लेकिन फिर भी एक बार इंडिया अलायंस इससे जरा भी खुश ना हो, क्योंकि वे लोग थोड़ी बहुत ही मात खाए हैं, जबकि इंडिया अलायंस का नैरेटिव उतना नहीं चला जितना वे लोग चलाना चाहते थे और मोदी गवर्नमेंट को गिराना चाहते। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पूरी इंडिया अलायंस से भी ज्यादा सीटें लेकर हाल में बैठी हुई, तो दोनों ही तरफ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। दोनों ही तरफ के जो लोग हैं उन लोगों को देखने समझने की जरूरत है कि किस तरह से जो आइडियोलॉजीज हैं अलग अलग स्टेट्स की और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, अलग अलग कम्युनिटीज, उनको पढ़ा जा सके। हर बार आप एक स्टेट की जो आइडियोलॉजी है और जो थिंकिंग है और जो वोटिंग पैटर्न है उसको आप दूसरे स्टेट में रेप्लीकेट नहीं कर सकते और उसको थोप भी नहीं सकते। अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो जो हालत बीजेपी की हाल में यूपी में हुई, उसी प्रकार की हालत जो कोई भी पार्टी ऐसा करती है उसकी दूसरे स्टेट में भी हो सकती है। तो हर एक स्टेट की अपनी आइडियोलॉजी है, अपना थिंकिंग है और अपनी एक वोटिंग पैटर्न है, उसके हिसाब से उन लोगों को काम करना चाहिए। इसके अलावा आखिरी एक और जो चीज है जो बीजेपी फेवर में और बाद में उन्हीं के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक बन गई है, वो है उन लोगों का खुद का वोट बैंक। 2019 के कंपैरिजन में हाल में जो परसेंटेज वोट मिला है बीजेपी को वो बहुत ही माइन्यूटली कम है, लेकिन वो लाखों में कम है। तो उसी के चलते बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हुआ है, और ये जो पर्टिकुलर नुकसान हुआ है उसमें बहुत ही सिंपल सी चीज ये है कि उन लोगों ने महाराष्ट्र में जो भी गतिविधियां की जहां पर कुछ पार्टीज को तोड़ने का काम किया, खास करके जो शिवसेना को तोड़ने का काम किया, तो महाराष्ट्र की जो आइडियोलॉजी, जो थिंकिंग है, जो कलेक्टिव थिंकिंग है, वो बाला साहब ठाकरे के थिंकिंग के साथ अलाइन होता है। और अब जब बाला साहब ठाकरे नहीं रहे तो वो शिवसेना के साथ अलाइन करता है, और शिवसेना के जो लीडर वो उद्धव ठाकरे थे, तो स्टेट इलेक्शन में वे लोग अपोजिशन में बैठ सकते थे और उद्धव ठाकरे को किसी तरह से भी कन्विंस करके अपने पाले में ला सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने शिवसेना को और साथ ही अजीत पवार एनसीपी को तोड़ने का डिसीजन लिया, और उसमें वे लोग सफल रहे। लेकिन उसके सामने संभवतः उसी वजह महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं उनको बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, जहां पर महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे ने खुद एक समय में पीएम मोदी जी की प्रशंसा की थी और उनको प्रमोट किया था, उसी महाराष्ट्र ने कहीं ना कहीं पीएम मोदी को कुछ हद तक साइडलाइन कर दिया है। अब ये पीएम मोदी जी को किया है या फिर बीजेपी को किया है, ये उनके इंट्रोस्पेक्शन का पॉइंट है। ये हम एग्जैक्टली नहीं बताएंगे कि क्या हुआ था, उनको ग्राउंड पर जाना चाहिए, खुद एनालिसिस करना चाहिए, और उसमें भी खास करके वहां के जो लोकल कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी से काफी लंबे समय से जुड़े हैं उन लोगों को भेजना चाहिए, ताकि वे लोग जाके परिस्थितियों का मुआयना कर सकें, एनालाइज कर सकें, और जो एक्चुअल आंकड़े हैं, जो स्टेटिस्टिक्स, उन नेशनल लीडरशिप के सामने और स्टेट लीडरशिप के सामने रख सकें। एज अ होल बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में थी, साथ ही में जो राइट विंग इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, ना कि हो गया है, हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में था, जिसके चलते उन्होंने जो ऑपोजिशन की स्ट्रेटेजीज थी और जो एक्टिविटीज उनको काफी हद तक अंडर एस्टिमेट किया है। वेस्ट बंगाल में रिजल्ट्स हम लोगों ने जैसे एक्सपेक्ट किए थे उसी प्रकार के कुछ हैं। एक दो सीट्स हैं जहां पर हमने एक्सपेक्ट किया था कि बीजेपी आ सकती है लेकिन नहीं आई, एंड वी आर फाइन विद दैट। लेकिन यूपी में जो चक्का लगा, खास करके जो अयोध्या में हुआ है, जहां पर जो लोकल लीडर है उसने भी उस प्रकार से प्रचार नहीं किया जिस प्रकार से करना चाहिए था, तो वो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक बन के निकल रहा है इस पूरे 2024 लोकसभा इलेक्शन में। और अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स की, तो इसमें वोटर्स को भी हम लोग साइड पर नहीं रखते। जिन हिंदुओं के लिए राम मंदिर का निर्माण किया गया, उन्हीं हिंदुओं में से कई सारे हिंदुओं ने, बहुत सारे लोग बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, अपना वोट या तो डालने नहीं गए या तो ऑपोजिशन को वोट दिया, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो साउथ में हो, कहीं पर। तो इसी के चलते वोटर्स भी, बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, और वे भी जिम्मेदार हैं जिनको बेनिफिट्स मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, या फिर मामृतम कार्ड के अंतर्गत, या फिर अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू
उन लोगों ने कहीं ना कहीं वोट नहीं किया है पीएम मोदी को और बीजेपी, या तो उन्होंने वोट नहीं किया है या फिर उन लोगों ने ऑपोजिशन को वोट किया है। तो ये लोगों को हम लोग किसी भी तरह से एग्जम्पशन नहीं दे सकते, तो सभी को स्वीकारनी होगी। ग्राउंड पर जो रियलिटी है वो अपने नेताओं के साथ मिलकर बात करें, उनको रिजोल्व करें, जो भी लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप है, उनके साथ आप लोग बात करके उसको रिजोल्व कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। सभी जगह पर गवर्नमेंट्स नहीं आएंगी और आरएसएस या बजरंग दल डेफिनेटली नहीं आएंगे, खास करके जब आपको पर्सनली प्रॉब्लम हो। वे लोग सिर्फ बड़े बड़े जो काम होते हैं उसी में अपना चेहरा दिखाते हैं, बाकी एट पर्सनल लेवल दे विल नॉट सपोर्ट यू। और हाल में जो आरएसएस और बजरंग दल बना हुआ है वो सिर्फ कॉरपोरेट ऑफिस के लिए है, वो लोग किसी को सपोर्ट करने के लिए, किसी मरते हुए इंसान को जिंदा करने के लिए नहीं है। और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए कोई भी काउंटर हम लोग नहीं ले सकते रिगार्डिंग आरएसएस एंड बीएसपी एंड बजरंग दल, क्योंकि उन लोगों के जो काम रहे एक समय वो रहे होंगे काफी ही अच्छे थे और हमने देखा भी है, लेकिन हाल में जो है आरएसएस बजरंग दल बीएसपी दे आर नथिंग मोर देन ब्यूरोक्रेट एज वी सी इट। तो लोगों को निकल कर वोट करना चाहिए था, कंप्लेसेंसी बहुत ही बड़ी मात्रा में थी। साथ ही में जो बीजेपी की लोकल लीडरशिप और लोकल कार्यकर्ता, उनकी भी बहुत बड़ी गलती है यहाँ पर कि वे लोग खुद बाहर नहीं निकले लोगों को अपना चेहरा दिखाने के लिए, रैलीज करने के लिए, अपने जो नैरेटिव्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, अपने इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, वे लोग बाहर नहीं निकले और उनका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से सरकार बनती है। सोशल मीडिया और एआई के थ्रू जो नैरेटिव चलाया गया था उसको भी काउंटर करने में बीजेपी बहुत ही बुरी तरह से फेल हुई है, और साथ ही में अपने साइड के जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले और उनकी पॉलिसीज और उनके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने वाले जो यूट्यूबर्स थे और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, उनको सपोर्ट करने में बीजेपी बहुत ही बुरी तरह से फेल हो रही है। उसके ऊपर भी उन लोगों को काम करने की जरूरत है। जिस तरह से ऑपोजिशन ने इस बार काम किया है, तो उसी तरह से बीजेपी को भी अनडाउटेडली उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और साथ ही में जो लोकल लीडरशिप है उनको नर्चर करके खड़ा करने की और लोगों के समक्ष लाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत हाल में दिखाई पड़ रही है। आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से बीजेपी इसके ऊपर एक्शन लेती है, हमारी कितनी बातों के ऊपर वे लोग काम करते हैं, कितनी बातों के ऊपर नहीं करते हैं। वी आर प्रीटी श्योर कि बीजेपी वाले हार्डली ऐसे लोग होंगे जो लीडरशिप में होंगे, इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर होंगे, जो लोग ये वीडियो सुनेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपके कॉन्टेक्ट में ऐसे कोई भी लोग हैं तो उन लोगों को ये वीडियो जरूर पहुंचाए और उन लोगों को इन चीजों से अवगत। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये एनालिसिस कैसा लगा, ये हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। ये हमारा पर्सनल व्यू था, तो हो सकता है कुछ बातें छूट गई हों, कुछ बातें ऐसी हों जो आपने सोची हों, जो हमारे दिमाग में ना आई हो, या फिर हमने जो हमको जो पॉजिटिव लगा वो आपको नेगेटिव लगा हो, या फिर जो हमको नेगेटिव लगा वो आपको पॉजिटिव लगा हो, तो उसके लिए वी कैन अग्री टू डिसअग्री, राइट। अल्टीमेटली इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड विल ऑलवेज अ डेमोक्रेसी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक जय हिंद, हर हर महादेव।